वेलकम टू माई चैनल स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास सेकेंड की बुक हिंदी की। इस बुक का नाम है शरश हिंदी प्रज्ञा। स्टूडेंट्स हम इस वीडियो में केवल आज उन चैप्टर के नाम देखेंगे जो हमें इस बुक के अंदर पढ़ने हैं। ओके स्टूडेंट्स हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट देखिए इस बुक की विषय सूची दी हुई है, यहाँ पर 3 यूनिट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट यूनिट है आपका हमारे आसपास, फर्स्ट चैप्टर है आपका हुआ सवेरा, फिर दिया हुआ एक स्टोरी स्टूडेंट्स प्यासा कावा केवल पढ़ने के लिए, फिर स्टूडेंट सेकेंड चैप्टर अकबर और बिरबल, थर्ड चैप्टर है अगर कहीं मैं घोड़ा होता, फोर्थ चैप्टर है शेर और किसमिस, फिर उसके बाद स्टूडेंट सिर्फ केवल पढ़ने के लिए दिया हुआ है जादू है जी जादू है जी। फिर यूनिट सेकेंड में हमारी रंग बिरंगी दुनिया के अंदर आपको स्टोरीज दी हुई हैं जो पढ़नी है, वो है फिफ्थ चैप्टर घमंडी, फिर सिक्स चैप्टर है समझदार किसान, सेवन चैप्टर है रिमझिम बरस रहा पानी, एट चैप्टर है मुर्गा और लोमड़ी, फिर स्टूडेंट्स केवल पढ़ने के लिए आपको स्टोरी दी हुई है नटखट मेमना, फिर नाइन चैप्टर है पतंगे, फिर बूझो पहली स्टोरी दी हुई है केवल पढ़ने के लिए, फिर यूनिट थर्ड में आपको यूनिट थर्ड है आपका आओ हंसे मुस्कुराएं, इसमें भी टोटल आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। फर्स्ट चैप्टर जिसमें दिया हुआ है सिख चिल्ली की चिट्ठी, फिर एक कछुआ जल का राजा है, फिर उधार उधार कैसे चुकाऊं, फिर कछुआ और खरगोश की स्टोरी दी हुई है केवल पढ़ने के लिए। आप लोगों में से किसने किसने कहानी सुनी है कछुआ और खरगोश की मुझे कमेंट करके बताएं। फिर 13 चैप्टर है आओ पेड़ लगाएं, फिर 14 चैप्टर है बंदर मामा। तो टोटल आपको हिंदी की बुक में 14 चैप्टर पढ़नी है और उनके क्वेश्चन आंसर फिल इन द ब्लैंक्स शब्दार्थ ये सारे आपको याद करने हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन में जा कर के लिंक्स पे क्लिक करें, आपको सारी वीडियोस वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएंगी, आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।